एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज तानिया. इफ यू आर न्यू हियर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच. आज मैं लेके आई हूँ ये वेरी इजी और क्विक मेकअप लुक लोरी के लिए. तो बिल्कुल लेट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे. एंड बिफोर दैट आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोरी. चलिए जल्दी से आप स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है प्रॉपरली और अब मैं मॉइस्चराइज करने वाली हूँ पिलग्रिम के इस जेल मॉइस्चराइज़र के साथ. क्योंकि विंटर का टाइम है तो मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है स्किन को अच्छे से. कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने स्किन को अच्छे से प्रेप कीजिए हमेशा विथ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइज़र. और ये मॉइस्चराइज़र आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए. कि मैं प्राइमर अप्लाई करूँगी, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर बार प्राइमर. दिस इज़ अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर. इससे हमारा पोर्स ब्लर हो जाएगा और स्किन पे भी बहुत स्मूथ, स्किन भी बहुत स्मूथ हो जाएगा. उसके बाद मैं ले रही हूँ मामा अर्थ का फाउंडेशन और दिस इज़ 06 आमंड ग्लो. और इस फाउंडेशन को मैं मिक्स करूँगी गुड वाइब्स के सीरम के साथ. अब मैं सीरम को फाउंडेशन के साथ मिक्स कर रही हूँ और अब मैं लगा लूँगी अपने फेस में. जैसे कि हम क्रीम लगाते हैं वैसे ही मैं फाउंडेशन को अप्लाई कर लूँगी. हो गया है, बिल्कुल क्रीम के जैसा मैंने अप्लाई कर लिया है अपने फेस और नेक पे. अभी मैं लूँगी ये कंसीलर फ्रॉम स्विस ब्यूटी. दिस इज़ अ हाई कवरेज कंसीलर, इसीलिए मैं डायरेक्टली कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ मेरे डार्क सर्कल्स पे. दिस इज़ गोइंग टू हाइड माय डार्क सर्कल्स एंड ऑल्सो हाईलाइट माय अंडर आई एरिया एंड द टॉप एरियाज ऑफ माई फेस. और इसको जल्दी से हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे. आई एम यूजिंग अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड द कंसीलर. क्योंकि हमने अच्छे से मॉइस्चराइज किया है अपने स्किन को कोई भी मेकअप अप्लाई करने से पहले, इसीलिए जो हमारा मेकअप है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा स्किन पे, कोई पैचेस नहीं होंगे. कैमरा में शायद थोड़ा वाइट लग रहा है, आई डोंट नो, बट इन पर्सन इट इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट. अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये क्रीम ब्लश. विंटर का टाइम है तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे. विंटर्स में बहुत ज़्यादा पाउडर अच्छा नहीं लगता स्किन पे, इट मेक्स आवर स्किन ड्राई. तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्रीम प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. कैमरा में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया है. मैंने ब्लश को ब्लेंड किया, उसके बाद लिक्विड हाइलाइटर लगाया, फिर अपने बेस को ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट किया और फिर सेटिंग स्प्रे लगा के उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया. ब्राउज आर डन प्रॉपरली. अब जल्दी से आई मेकअप कर लेते हैं, उसके बाद फेस को कंप्लीट करेंगे. आई मेकअप करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पाउडर अप्लाई कर रही हूँ ताकि कोई फॉल आउट हो तो हम उसको डस्ट ऑफ कर सकते हैं. आई मेकअप के लिए मैंने लिया है ग्लिटर गैलेक्सी का डे ड्रीम पैलेट. सबसे पहले मैंने लिया है ये ब्राउन शेड और इसको मैंने अप्लाई किया है अपने क्रीज लाइन पे. अपने क्रीज लाइन और आउटर कॉर्नर पे ये ब्राउन कलर मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ. इसी को मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे भी स्मोक आउट किया है. अभी एक लाइट ब्राउन शेड लिया है और मैं एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे. दिस इज़ ऑल्सो माई ट्रांजिशन शेड. लोअर लैश लाइन पे भी सेम कर रही हूँ. लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन शेड को मैं ब्लेंड कर रही हूँ. अभी मैंने एक शिमरी ब्लू शेड लिया है एक फ्लैट ब्रश पे और मैं यहाँ पे अपने हाफ कट क्रीज कर रही हूँ मैं इस ब्लू शेड के हेल्प से.
शेडो को अपने क्रीज लाइन के ऊपर मत लीजिए, इसको अपने आई लिट पे अप्लाई कीजिए और अपने क्रीज लाइन तक ही इसको ब्लेंड कीजिए। इज अ पिगमेंट पे ऑफ, मैंने कंसीलर से कट क्रीज नहीं किया, डायरेक्टली अप्लाई किया है शेड को और बहुत ही अच्छा कलर पे ऑफ मिला है। अभी मैं फिर से आउटर कॉर्नर को थोड़ा ब्राउन से स्मज कर रही हूँ, ब्राउन और ब्लू को अच्छे से मर्ज कर दूंगी ताकि इन दोनों के बीच में कोई लाइन ना रहे। अभी मैंने लिया है एक ब्लैक आई शेडो और मैं यहाँ पे उसको बिल्कुल लैश लाइन के करीब प्लेस कर रही हूँ, जस्ट लाइक अ आई लाइनर, और फिर से उसको मैं स्मज कर दूंगी अच्छे से ब्लू और ब्राउन के साथ। लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी ये ब्लू काजल। और इस ब्लू काजल को स्मज करेंगे थोड़ा सा डार्क ब्राउन आई शेडो के साथ। अगर आपके पास ब्लू काजल नहीं है तो आप ब्लू आई शेडो को अभी यूज कर सकते हैं ये सेम लुक क्रिएट करने के लिए। वैसे देखिए कितना प्यारा सा ब्लू आई मेकअप रेडी हो गया इतने कम टाइम में। अभी मैं एक रोज़ गोल्ड शेड ले रही हूँ और इससे मैं अपने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। अभी थोड़ा सा मस्कारा लगाएंगे अपर और लोअर लैशेस पे। अगर आप फॉल्स लैशेस से कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। मैं ऑफ कैमरा जल्दी से फॉल्स लैशेस अप्लाई करके और दूसरी आई को भी कंप्लीट करके वापस आती हूँ। आई मेकअप इज डन, सी हाउ फ्लैटरिंग इट इज़ लुकिंग, और वो भी इतने कम टाइम में। अब जल्दी से फेस को कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसको मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी। अभी करूंगी कॉन्ट्रोल, इसके लिए मैंने लिया है शुगर का कॉन्ट्रोल पाउडर और जो यूजुअल कॉन्ट्रोल एरियाज होते हैं उसी को कॉन्ट्रोल करेंगे जल्दी से। और फोरहेड को भी थोड़ा सा कॉन्टोर कर लिया है क्योंकि मेरा फोरहेड बड़ा है, अगर आपका छोटा है तो स्किप कर दीजिए। अभी मैं ले रही हूँ मामा अर्थ का कॉम्पैक्ट और जहाँ पे हमने कंसीलर लगाया था उस एरियाज पे लगाऊंगी थोड़ा सा। मुझे पता नहीं स्मेल बहुत पसंद है इस कॉम्पैक्ट, स्मेल्स रियली गुड। अभी अप्लाई करेंगे ब्लश, मैंने लिया है आई मैजिक ब्लश पैलेट और मैं यहाँ से एक बहुत ही प्यारा सा पीच पिंक कलर चूज कर रही हूँ। हाईलाइट करने के लिए मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का शॉपिक्स पैलेट एंड आई एम अप्लाइंग दिस ब्यूटीफुल पिंक हाइलाइटर फ्रॉम दिस पैलेट। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अभी पिंक हाइलाइटर बहुत फैशन में है, सो आई एम यूजिंग दिस ब्यूटीफुल पिंक हाइलाइटर। अगर आपके पास पिंक हाइलाइटर नहीं है देन गो फॉर एनी अदर हाइलाइटर ऑफ योर चॉइस। माय फेस इज डन, फिर से एक बार सेटिंग स्प्रे, लिप्स के लिए मैंने लिया है ये ब्यूटीफुल न्यूट शेड फ्रॉम लैक्मी एब्सोल्यूट एंड इट्स 08 न्यूट ड्रीम। क्योंकि आई मेकअप हेवी है मैंने इसीलिए लिप्स को बिल्कुल न्यूट रखा है। जल्दी से चेंज करती हूँ और फुल रेडी होके वापस आती हूँ।
So here is the completed look. मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा चोटी बनाया है. ऑफ कोर्स ये एक्सटेंशन है क्योंकि आपको पता है आई हैव शॉर्ट हेयर एंड सम झुमकास. अ वेरी ट्रेडिशनल लुक. आई थिंक इट इज एप्ट फॉर लोरी. डू कमेंट एंड लेट मी नो योर व्यू ऑन दिस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी वन. आई विल सी यू सून विद अ ब्रांड न्यू वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाई.